गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं देवेश ऑटो व्लॉग। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये है मारुति की ग्रैंड विटारा जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। अगर ये वाला वेरिएंट आप देख रहे हैं, जिस वेरिएंट की बात करें तो ये है अल्फा प्लस टॉप एंड वेरिएंट है ECVT, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन की जो बात चल रही थी इसकी थोड़ी हाइप बना रखी थी ग्रैंड विटारा की, वो वाला वेरियंट है ये। अब इसकी अगर हम एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो ये ECVT वाला वेरिएंट है, DT वाला नहीं है, ये टॉप एंड वेरिएंट है। इसकी एक्सोरूम प्राइस है 19,49,000, इसकी एक्सोरूम प्राइस है। अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, स्ट्रॉन्ग स्मार्ट हाइब्रिड जो कि इलेक्ट्रिक ECVT इंजन है। इसके अंदर आपको गेयरबॉक्स वगैरह कुछ नहीं मिलता, ECVT इंजन दिया गया है, ECVT गेयरबॉक्स मिलता है। अब इसके अगर पावर की बात करें तो 91 BHP पावर प्रोड्यूस करता है और 122 Nm का टॉर्क मिलता है। पावर फिगर में थोड़ा कम है इसका, बाकी एवरेज वगैरह के लिए बनाई है थोड़ी गाड़ी, इसलिए इसके अंदर अगर आप इसको 40 से कम स्पीड में चलाएंगे तो ये EV मोड पर चलेगी। और इसकी कंपनी 28 या 9 का एवरेज क्लेम कर रही है अगर आप इसको लेना पसंद करते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ट्राई शेप की मिलती है, जैसे कि आप मारुति की देखी होगी, सेम उसी तरीके की दी गई है। ये कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट की डिज़ाइन है। अब चलते हैं इसके फ्रंट के अंदर, इसके अंदर फीचर्स की बात करेंगे अपन। यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में क्रोम की फिनिश में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर पूरी डार्क क्रोम की फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक की फिनिश में ग्रिल दी गई है और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैमरा मिल जाता है, 360 कैमरा दिया गया है। नीचे की साइड आपको ग्रे कलर की स्कफ प्लेट मिल जाती है जो कि अच्छी लगती है, यहाँ पर डार्क ग्रे कलर में स्कफ प्लेट दी गई है नीचे की साइड। अब इसके हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प मिलता है, यहाँ पर DRLs मिल जाती है, इसी के अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिल जाता है, 3 DRLs मिल जाती है इसके अंदर। और नीचे की साइड आपको यहाँ पर LED में फॉग लैम्प मिल जाता है जो कि प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प है, HID LED लाइट मिलती है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी इस तरीके से पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, नीचे कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलता। ये टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट में फॉग लैम्प नहीं मिल रहा तो आपको और भी वेरिएंट में फॉग लैम्प नहीं मिलेगा इसके। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, साइड प्रोफाइल से मैं बता देता हूँ कैसी क्या लगती है। साइड प्रोफाइल भी आप चेक कर लीजिए इसकी, कुछ इस तरीके से इसका साइड प्रोफाइल का लुक है। साइड प्रोफाइल से भी ये क्रेटा से थोड़ी लंबी है, 30-40 mm, और फ्रंट से भी तितने विड्थ वगैरह हाइट वगैरह सब इसकी क्रेटा से ज़्यादा है। इसके टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए, रियर में भी ड्रिप डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टायर देख सकते हैं अपोलो का टायर मिल जाता है। प्रोफाइल की बात करें तो 215/60R17 का इसके अंदर टायर मिल जाता है और इसका जो बेस वेरिएंट है, सभी वेरिएंट में 17 इंची के टायर मिलते हैं और इस टाइप के एलॉय व्हील्स मिलते हैं जेटा अल्फा दोनों वेरिएंट में, डेल्टा और सिग्मा वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से क्लैडिंग मिल जाती है, फुल बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है पियानो ब्लैक की फिनिश में। फेंडर पर कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाता है, वॉशर भी दिया गया है। ORVM की बात करें तो ऑटो एडजस्ट एंड ऑटो फोल्डेबल दोनों मिलता है, यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है, LED लैम्प मिल जाता है, बॉडी कलर में दिया गया है, A-पिलर भी आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। यहाँ पर आपको दोनों डोर्स पर क्रोम गार्निश मिल जाती है और जिसका डोर हैंडल है यहाँ पर आपको कोई भी देख सकते हैं, कोई भी आपको क्रोम की फिनिश वगैरह नहीं मिलती और यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। डोर्स पर भी आपको क्लैडिंग नहीं दी गई। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका C-पिलर है, यहाँ पर आपको डार्क क्रोम की फिनिश मिल जाती है, ऊपर की साइड आपको रूफ रेल मिल जाती है और शार्क फिन एंटीना आपको बॉडी कलर में दिया गया है ऊपर रूफ पर। यह है कुछ इस तरीके से इसका रियर का लुक, रियर से भी अच्छी खासी लगती है थोड़ी। इसका रियर का लुक जैसे कि अभी ब्रीज आई तो उसका भी रियर का लुक लोगों को बहुत पसंद आया था और इसका भी लोगों को रियर का लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पर आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ग्रैंड विटारा की बैजिंग दी गई है और ये पूरा LED लाइट का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन मोड पर रहती है जो कि बहुत प्रीमियम लगती है, रेंज रोवर टाइप में इसकी LED लाइट का सेटअप दिया गया है। यहाँ पर आप ब्रेक वगैरह प्रेस करेंगे तो ये ऑन ऑफ होती है। यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, जैसे कि आपने नॉर्मल और भी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन नहीं है वाली देखा होगा आपने, ECVT वाली, नॉन ECVT वाली, उसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है, यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है हेलोजन बल्ब में, रिवर्स लैम्प भी हेलोजन बल्ब में दिए गए, नीचे की साइड आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। नीचे टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और इसकी प्लेट आप देख सकते हैं डार्क ग्रे फिनिश में दी गई है। यहाँ पर आपको कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है, यहाँ पर आपको डिफोगर भी दिया गया है और वाइपर भी मिल जाता है रियर में। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ऊपर की साइड शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है इसके अंदर, इधर आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, ECVT इंजन है। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ, ड्राइवर साइड डोर की तरफ क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप कीलेस एंट्री वगैरह कर सकते हैं।
ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो ये ऑल ब्लैक कलर में ड्राइवर साइड डोर मिलता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्राउन सी कलर की फिनिश देखी होगी, पर ये ब्लैक कलर में है, क्योंकि अब वेरिएंट वगैरह अब निकले अब पता चल रहा है किस में कौन सा कलर मिलेगा, किस टाइप का कैसा क्या दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की पूरा लेदर की फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको ब्लैक की फिनिश दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर में स्ट्रेचिंग दी गई है। यहाँ पर आपको पावर ड्राइवर साइड विंडो जो ऑटो अप एंड डाउन मिल जाती है, चारों पावर विंडो कंट्रोल दिए गए, यहाँ पर आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको विंडो को लॉक कर सकते हैं, इसको ORVM को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, राइट लेफ्ट करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से फिनिश दी गई है, सिल्वर की फिनिश दी गई जो कि ग्लोसी में मिल जाती है। सीट्स की बात करें तो सीट्स हाइट एडजस्टेबल सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको, वैसे तो सभी वेरिएंट मिलता है पर अगर इस वेरिएंट में अगर इलेक्ट्रिकली हाइट एडजस्टेबल सीट्स का ऑप्शन मिलता तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा है उस अकॉर्डिंग। वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसमें मिल जाती है, यहाँ पर आपको टू पेडल्स दिए गए, डेडिकेटेड डेड पेडल मिल जाते हैं, यहाँ से आप बोनेट वगैरह का लीवर या फुल टैंक का लीवर मिल जाता है। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये हब दिया गया है, यहाँ से आप 360 व्यू कैमरा ऑन कर सकते हैं, हेडलैम्प के लेवलिंग सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम की फिनिश और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। अब मैं बैठता हूँ अंदर की साइड, अंदर से भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से राउंड शेप में इसका आपको सभी वेरिएंट में राउंड शेप में आपको इसका स्टेयरिंग मिलेगा, यहाँ पर आपको लेदर रैप मिल जाती है इस वाले वेरिएंट में, और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कॉल पिक वगैरह कट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स दोनों दिए गए हैं। अब मैं करता हूँ इसका इग्निशन ऑन, जो ये प्लस वाला वेरिएंट है इसका इग्निशन थोड़ा अलग टाइप का मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका क्लस्टर मिलता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का इसका क्लस्टर दिया गया है, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। अभी पार्किंग मोड पे ये, अभी इसका जैसे डोर ओपन है तो डोर बंद करते ही इसकी जो वार्निंग है वो बंद हो गई। यहाँ पर इस साइड आपको पावर इको चार्जिंग सब सिस्टम मिल जाता है, और ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर वगैरह सब शो होता है इसके अंदर, स्पीडोमीटर दिया गया है और RPM मीटर, इधर टेम्परेचर फ्यूल वगैरह का सबका दिया गया है। अभी जैसे ये EV मोड पे मैं करता हूँ इसको, ये ड्राइव मोड आ गया, अभी मैं इसको ऑन, अभी इसका ही क्लस्टर ऑफ है, अभी ये रेडी हो गई, ये अभी EV मोड पर है, देख सकते हैं इको मोड EV मोड, यहाँ पर EV मोड मैंने लगा दिया, ये अभी देख सकते हैं आप ये ड्राइव मोड आ गया, कुछ इस तरीके से इसके क्लस्टर मिल जाता है। अब कुछ इस तरीके से आप इसके देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल ब्लैक कलर में आपको इसका डैशबोर्ड मिलता है पूरा, यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर मिलता है हार्ड प्लास्टिक में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ब्राउन से कलर की फिनिश दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है लेदर में, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की स्ट्रेचिंग दी गई है। 8-9 inch इसकी टच स्क्रीन मिल जाती है, टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर हेजल लाइट का स्विच मिल जाता है और ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल मिल जाता है, जैसे कि ब्रिजा वगैरह में देखा होगा सेम उसी तरीके का, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। नीचे की साइड USB पोर्ट दिया गया है, इधर की साइड आपको USB पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, आपको वायरलेस चार्जिंग भी इसके अंदर मिल जाती है प्लस अल्फा प्लस में, जेटा में मिलेगी आपको। यहाँ पर कुछ इस तरीके से नोब मिल जाता है, यहाँ पर पार्किंग मोड रिवर्स वगैरह का सबका मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्विच दिए गए EV वेंटिलेटेड सीट्स का और ड्राइव मोड वगैरह के स्विच दिए गए, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट आपको सिग्मा वेरियस वेरिएंट में भी मिलेगा, और ये आप इस तरीके से स्टोरेज एरिया मिल जाता है इसके अंदर। और अब इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ग्लव बॉक्स मिल, पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिरर मिल जाता है जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है, ऑटो डिमिंग मिरर मिलता है आपको इसके अंदर, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, लैम्प दिया गया येलो लाइट प्रोड्यूस करता हुआ, यहाँ पर आपको कोई वॉइस कमांड वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका सनरूफ ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अभी ये थोड़ा सा इसको मैंने ओपन कर लिया, ये कुछ इस तरीके से आप इसका सनरूफ वगैरह ओपन, यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं इसकी थोड़ी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्वालिटी है, देख सकते हैं कुछ ना कोई इसमें अगर आप गर्मी वगैरह होगी तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि इसका जो ये वीड है ये बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़ा ही लगाया है, ओनली अगर कुछ ढंग का इलाज करते हैं तो सही रहता है, सनरूफ पैनारोमिक सनरूफ बना दिया, पर यहाँ पर ये क्या लगा दिया, कितनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की है ये देख सकते हैं आप, पहले ये ओपन होता है, बाकी इसका सनरूफ देखा जाए तो क्रेटा से ज़्यादा ओपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना वाइड कितना बड़ा सनरूफ मिल जाता है आपको, बाकी क्रेटा का थोड़ा पैनारोमिक ज़्यादा है सनरूफ, जिस तरीके से आपको यहाँ से
मिल जाता है। बस यही था फ्रंट के अंदर। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर प्रोफाइल से भी मैं आपको चेक कर लेता हूँ कैसी क्या लगती है। ये है कुछ इस तरीके से इसका रियर का डोर। यहाँ पर भी आपको सेम वही ब्लैक कलर में सॉफ्टनेस मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर मिलता है, यहाँ पर व्हाइट कलर की स्ट्रेचिंग दी गई, यहाँ पर पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से विंडो कंट्रोल, यहाँ पर क्रोम की फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर वही आपको ब्राउन लाइट ब्राउन की फिनिश दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोतल होल्डर स्टोरेज रियर स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। बाकी सीट्स की बात करें तो देख सकते हैं स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, और मेरी अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट है और अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी मिल रहा है। रियर में एसी वेंट्स और दो टाइप ए टू टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जैसे कि बलिनो और ब्रिजा में देखा होगा। रियर से कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड लगता है। बाकी आप इसका ये सनरूफ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल मिल जाता है, लाइट्स मिल जाती है आपको कुछ इस तरीके की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्टेबल थ्री एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है रियर में, और आपको आर्मरेस्ट भी रियर में मिल जाता है जो कि लेदर में ही आर्मरेस्ट दिया गया है आपको। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप दो कप होल्डर लेदर में आर्मरेस्ट। बस यही था वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसी क्या लगी है कार। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।